अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। गोपालगंज से बड़ी खबर मिल रही है। गोपालगंज में लॉरेंस विश्नोई गिरोह की धमक देखने को मिली है। तीन गुर्गों की गिरफ्तारी का मामला है। पाकिस्तान से हथियार यहां सप्लाई किया जा रहा था। दो दिनों के रिमांड पर तीन अपराधी को लिया गया है। बताया जा रहा है कि अमन साहू गैंग से ये तीनों ही जुड़े हुए हैं। गोपालगंज में राजस्थान के कमल राव, दिनेश सिंह रावत और मुजफ्फरपुर के शांतनु शिवम की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी करने के बाद ऑस्ट्रेलिया निर्मित चार विदेशी पिस्टल भी जब्त किए गए थे। मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी थी, जिसका पुलिस ने समय रहते ही खुलासा कर दिया है। गोपालगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हरियाणा से मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही शराब की बड़ी खेप को जब्त किया है। पुलिस ने ट्रक से 6,535 लीटर शराब को जब्त किया है। जब्त शराब की कीमत 50 लाख बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने राजस्थान के रहने वाले दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान राजस्थान के बाड़मेर जिला निवासी येमराव और पप्पू राम के रूप में हुई है। द्वारा शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब से लदा हुआ एक ट्रक को पकड़ा गया है और दो शराब तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। ये दोनों शराब तस्कर जो है राजस्थान राज्य के रहने वाले हैं और इनसे पूछताछ की गई है। और ये जो ट्रक है ये यूपी नंबर का है और पूछताछ में बताया गया कि हिमाचल प्रदेश से शराब लोड की गई थी और मुजफ्फरपुर जिला लेकर जाने वाले थे। नवादा में मुखिया पति की हत्या कर लाश को सड़क किनारे फेंककर अपराधी फरार हो गए। वारसलीगंज थाना क्षेत्र के टाटी मिरबिगहा गांव के पास मुखिया पति का शव मिला है। अपराधियों ने गिरेक प्रखंड के सतवा पंचायत की मुखिया ललिता देवी के पति बलबीर यादव की हत्या कर दी। मुखिया पति की हत्या पीट पीट कर की गई है। मुखिया पति की हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के भाई ने बताया कि बालू विवाद में हत्या की गई है। पुलिस अब मामले की जाँच में जुट गई है। घटना कैसे हुआ है? घटना हुआ सर 7 बजे आए हाटी पर गिरिया पर थाना प्रशासन सब खड़ा था वहाँ पर। वहाँ पान खाए आगे बढ़े और उसनी देरी में उठाया 7:03 में उठा के ला के अपहरण करके मर्डर किया है। कि मेरा भाई को अपहरण करके मर्डर कर दिया। जहाँ से उठाया मेरा भाई गिरिया हट्टी से मेरा भाई घर के लिए निकला। हम उसके पीछे हम थे, समझे। हम थोड़ा पान पराग लेने के लिए रुक गए। जब तक तुरंत लिए और तुरंत हम चल दिए। जब तक देखे मेरा भाई से धक्का मुक्की कर रहा है। दो गाड़ी था, एक ब्लैक कलर का गाड़ी था, एगो वाइट कलर का गाड़ी था। जो ब्लैक कलर का गाड़ी था गोरेलाल यादव का बेटा का नाम से गाड़ी है, गोरेलाल यादव सतहुआ का। हम पहुँचे, जब तक हम गाड़ी से निकले दौड़ दौड़ के सोचे कि पकड़ेंगे, जब तक गाड़ी लेकर उड़ी आ गया उधर, समझे, कतरीसराय रोड में निकल गया। बड़ी खबर बेगूसराय से है, जहां फाइनेंस कर्मी की हत्या कर दी गई है। लूटपाट के दौरान फाइनेंस कर्मी की हत्या कर दी गई है। वारदात बलिया थाना क्षेत्र के मामू भांजा की है। गैस एजेंसी के पास बेखौफ अपराधियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि बड़ी बलिया के रहने वाले कैलाश महतो के बेटे नंदू महतो की हत्या की गई है। नंदू महतो खगड़िया से अपनी बाइक से घर लौट रहा था, तभी नेशनल हाईवे पर अपराधियों ने उसके साथ लूटपाट की और गोली मारकर नंदू महतो को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि नंदू खगड़िया में एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था। हत्या के बाद मौके पर पहुंची बलिया डीएसपी नेहा कुमारी मामले की जांच में जुट गई है। पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया जा रहा है और प्रथम दृष्टया देखने में लग रहा है कि गोली मार के हत्या की गई है और हत्या के पीछे का मकसद अभी क्या है क्लियर नहीं हो पा रहा है। इनके परिजन से संपर्क होने के बाद और बाकी बिंदु की जाँच करने के बाद ही स्पष्ट हो पाया। बड़ी खबर आपको आरा से बता दें, जहां भोजपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अपहरण के 1 घंटे के अंदर ही पुलिस ने सही सलामत युवक को ढूंढ निकाला है। मामला जगदीशपुर थाना इलाके का है। बहिया के सुंदरपुर बर्जा के रहने वाले शिव रंजन राय अपने चचेरे भाई शुभम राय के साथ जमीन रजिस्ट्री करवाने जा रहे थे और तभी जगदीशपुर में नयका टोला के पास 5 बदमाशों ने शुभम राय को उठा लिया और फिरौती की मांग की। पैसे देने के बावजूद भी अपराधियों ने शुभम राय को रिहा नहीं किया। जब पुलिस को इसकी खबर मिली तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शुभम को जगदीशपुर के दावा गांव से ढूंढ निकाला है और एक आरोपी पिंटू महतो को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस का कहना है कि एक बाइक भी बरामद की गई है। 4 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। जो वहां पर लेके गए हैं वो संख्या उनकी 5 है, जिसमें से एक गिरफ्तार कर लिया गया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए वो छुपा हुआ था, उसे घर से जाकर गिरफ्तार कर लिया गया।
और बाकी लोगों का कुछ सुराग मिला है, जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाए। खबर जमुई से, जहां झाझा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चोरी की अनोखी घटना सामने आई है। ट्रेन से उतरे युवक ने स्टील की एक टेबल की चोरी कर ली और उसे अपने साथ ट्रेन की बोगी में लेकर चला गया। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बुधवार को हावड़ा जाने वाली गरीब रथ झाझा स्टेशन पर रुकी थी। इसी दौरान गुलाबी रंग का एक शर्ट पहने एक युवक ने स्टील के टेबल की चोरी कर ली। ये टेबल वाटर प्यूरिफायर के पास रखा गया था ताकि लोगों को पानी पीने में परेशानी नहीं हो। पुलिस इस टेबल के चोर की तलाश में जुट गई है। बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता दें, अंतर्राष्ट्रीय सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। सेक्स रैकेट में चार लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसमें पत्रकार एम राजा भी शामिल है। अलीनगर के रहने वाले पत्रकार एम राजा को सेक्स रैकेट में गिरफ्तार किया गया है। दरभंगा के सिटी एसपी शुभम आर्य ने बताया कि पत्रकार एम राजा के अलावा मुख्य सरगना सोनू कुमार और छोटी देवी को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों दरभंगा के ही रहने वाले हैं। बांग्लादेश की एक महिला भी पकड़ी गई है। बांग्लादेश का पासपोर्ट और वीजा भी बरामद किया गया। अतिथि होटल का मैनेजर भी सेक्स रैकेट में पकड़ाया है। वाजिदपुर मोहल्ले के महरौड़ी इलाके में स्थित अतिथि होटल में बीती रात छापेमारी कर सेक्स रैकेट का खुलासा किया गया। होटल के एक कमरे से एक पुरुष जिसका नाम है एम राजा, जो अलीनगर के रहने वाले हैं, इनके साथ में एक अन्य महिला जो पीड़िता है वो भी एक आपत्तिजनक स्थिति में बरामद हुई। उनसे और जब हमने पूछताछ किया गया तो पूछताछ के क्रम में उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि इन्होंने पैसा होटल के मालिक जो पवन मैनेजर जो पवन कुमार उसी को ही पैसा देकर इस लड़की को जो पीड़िता थी वहाँ से बरामद हुई थी उसको उसकी डिमांड की थी, जिसके बाद में वो पीड़िता उनके पास में आ गई थी। इस टोटल घटनाक्रम में और रात्रि की कार्रवाई में कुल चार लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और इसके अलावा कुछ और अन्य नाम सामने आए हैं, कुछ और जो होटल्स के भी नाम सामने आए हैं और इन सभी के खिलाफ में हम लोग अभी छापामारी अभी जारी कर रहे हैं। समस्तीपुर में दो अलग अलग जगह पर नदी में तीन बच्चे डूब गए। इसमें एक बच्चे की मौत हो गई जबकि दो बच्चे लापता हैं। लापता बच्चों की तलाश स्थानीय गोताखोरों की मदद से जारी है। घटना विभूतिपुर से होकर बहने वाली बूढ़ी गंडक नदी और दलसिंह सराय के बलान नदी में हुई है। विभूतिपुर में बूढ़ी गंडक नदी में पूर्णिया के भाई बहन डूब गए, जिनकी तलाश गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम कर रही है। दूसरी घटना दलसिंह सराय के बलान नदी में हुई है, जहां नागपंचमी मेला में स्नान करने के दौरान एक बच्चे का पैर फिसल गया। एक घंटे की मेहनत के बाद उसे बाहर निकाला गया लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। और वही भगत के इतने एकड़ में उसका पैर फिसल गया, इसी में डूब गया। कितने साल का बच्चा था? 12 साल। नाम क्या है? विकास कुमार नाम है। घटना कहाँ पे हुई है? ये पुल पर। मतलब कैसे आया था यहाँ बच्चा? हम लोग आए भगवती स्थान में पूजा करने के लिए। अच्छा। यहाँ बोला कुश बांधेंगे तो बच्चा सब आ गया बाबू नहाने के लिए यहाँ पर। अच्छा अच्छा। नहाने के बाद यहाँ बाबू बह गया, दोनों बेटा हमारा बहु बाबू हो। गया के शेरघाटी कोर्ट में फायरिंग मामले में दो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। इस मामले में पुलिस ने नए खुलासे किए हैं। गिरफ्तार अपराधियों में एक नाबालिग है। अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, एक पिस्टल और 9 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। सभी अपराधी बक्सर के शूटर हैं, जिन्हें शेरघाटी जेल में बंद फोटो खान की हत्या के लिए बुलाया गया था। हत्या से पहले सासाराम के होटल में प्लानिंग बनी, जिसके बाद रेकी भी की गई थी। एसएसपी के मुताबिक अपराधी फोटो खान और पुलिस जवान की गोली लगने के बाद हालत खतरे से बाहर है। जेल में बंद फोटो खान से पुरानी रंजिश की वजह से उसके दोस्तों ने ही शूटर को बुलाया था। पूरे मामले में पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। यह बात प्रकाश में आई है कि जो बंदी है उसका एक पुराना साथी उसके द्वारा इस घटना को अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर के अंजाम दिलाया गया है और इसमें इसके द्वारा बक्सर जिला के कुछ अपराध कर्मियों को इसमें पैसे दे करके उनको लाया गया था। झारखंड में आज से मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। मॉनसून सत्र 6 दिनों तक चलेगा। 29 जुलाई को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 30 जुलाई को अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। 31 जुलाई को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक और दूसरे राजकीय काम किए जाएंगे।
ये सत्र 2 अगस्त तक चलेगा। तो रांची से खबर है जहां 6 दिनों तक ये मानसून सत्र चलने वाला है। पक्ष और विपक्ष की तरफ से दोनों तरफ से तैयारी की गई है और इस बीच कई विधायी कार्य जो है वो भी पूरे किए जाएंगे, जिसमें 29 जुलाई को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, तो 30 जुलाई को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। इसके साथ 31 जुलाई को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक और दूसरे राजकीय काम किए जाएंगे। सत्र 2 अगस्त तक चलने वाला है। और आज करगिल विजय दिवस 25 साल पूरे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्रास वॉर मेमोरियल में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले द्रास में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद वो वॉल ऑफ फेम जाने वाले हैं। इसके बाद वो सेना के शीर्ष कमांडरों से भी बातचीत करेंगे। पीएम मोदी द्रास दौरे के दौरान पीएम मोदी शिंकुला टनल का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। करगिल की लड़ाई में हमारे जवानों ने अदम्य साहस दिखाते हुए पाकिस्तान सेना को खदेड़ दिया था। इस लड़ाई में हमारे 500 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे, जबकि 1000 से ज्यादा जवान हमारे घायल हुए थे। और ये आपको बता दें कि आज पीएम मोदी का द्रास दौरा होने जा रहा है। सेना के कमांडर से मुलाकात कर उनसे वो बातचीत करेंगे, क्योंकि आज करगिल दिवस के 25 साल पूरे हो रहे हैं। तो ऐसे में आज करगिल दिवस में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। सुबह 9:20 पर द्रास पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी। वीर शहीदों को पीएम श्रद्धांजलि देंगे। इस वक्त मैं कारगिल युद्ध स्मारक के ठीक सामने हूँ और यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आकर के सबसे पहले श्रद्धांजलि देंगे, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर यहाँ श्रद्धांजलि देंगे और श्रद्धांजलि देने के बाद तमाम जवानों से मुलाकात करेंगे। अगर देश के जवानों की अगर बात करें तो वो यहाँ पे देखा जा सकता है। और जिस तरह से अगर कारगिल युद्ध की अगर बात करें तो कारगिल युद्ध के 25 साल पूरे हो चुके हैं आज, और 25 साल की अगर बात करें तो आज विजय दिवस के तौर पर इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। लेकिन अगर विजय दिवस की अगर बात करें तो कारगिल पर जिस तरह से फतह पाया गया था, जिस तरह से भारतीय जवानों के द्वारा पाकिस्तान के घुसपैठियों को जिस तरह से बाहर भगाया गया था, उसी के याद में ये विजय दिवस लगातार मनाया जाता है। लेकिन ये 25 साल पूरे हुए हैं, 25 साल में बहुत कुछ बदला है। जिस तरह से अगर बात करें सामरिक स्थितियों की बात करें, सामरिक उपकरणों की बात करें, हथियार और बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और जांच पड़ताल की बात करें तो काफी जांच पड़ताल की जो स्थिति है वो बदली है। देखिए हालांकि यहाँ पे मैं कार्यक्रम स्थल की बात करूँ तो यहाँ पर तमाम जो इलाके में जो कहा जा सकता है सुरक्षा व्यवस्था के साथ में हम तैयारियाँ की जा रही है। डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो यहाँ पे देखा जा सकता है, K9 की जो टीम है वो देखा जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनके आने का जो वक्त मुकर्रर हुआ है तकरीबन 9:30 से 10:30 के बीच में वो आ सकते हैं। और जिस तरह से अगर देखा जाए कि देश के जवानों का और किस तरह से मनोबल बढ़ाना है और लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच जाते हैं, और अगर इस स्मारक की बात करें तो इस स्मारक के भी कई जो खूबियां हैं वो है। यहाँ पर सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा इस जगह पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। और ये इस इलाके की अगर बात करें, देखिए ये वही इलाका है जहाँ पर कारगिल युद्ध के समय में जो जवान शहादत को प्राप्त हुए थे, जो कहा जा सकता है एक जिस तरह से वो अपनी वीरगति को प्राप्त हुए थे, उन तमाम जवानों का नाम यहाँ पे है, उनके नाम से यहाँ पे बूथ है और श्रद्धांजलि जो है वगैरह यहाँ पे दी जाती है। तो कहा जा सकता है कि ये विजय दिवस कार्यक्रम कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक विशेष जो सुरंग है उसका भी उद्घाटन करेंगे और उसकी भी एक अलग इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक राज्य से दूसरे स्थान पे जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। खासकर अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख से लेकर हिमाचल के बीच का जो एक कनेक्टिविटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका भी आज उसकी शुरुआत की जो बुनियादी नींव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी जाएगी। शंकर आनंद, News 18 द्रास। 26 जुलाई को देश के साथ साथ झारखंड भी विजय दिवस की 25वीं सालगिरह मनाएगा। इस दिन भारत ने करगिल के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाते हुए करारी शिकस्त दी थी और इस महाविजय में गुमला के 3 बेटों ने सर्वोच्च बलिदान देते हुए भारत माँ के लिए प्राण न्योछावर कर दिए थे। इन 3 वीर शहीदों के नाम जॉन
अगस्तु सिंह का शहीद बिरसा उराव और शहीद विश्राम मुंडा है। शहीद जॉन अगस्तुस एक्का का परिवार उनकी शहादत को याद कर आज भी भावुक हो जाता है, साथ ही साथ उनके सर्वोच्च बलिदान पर गर्व भी करता है। देश कारगिल विजय दिवस मनाएगा, तो कारगिल विजय दिवस में सैकड़ों जो जवान थे उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब जाकर के जो पाकिस्तान के द्वारा हमला किया गया था भारत पर, उस पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त किया गया था। तो उसमें से गुमला के भी 3 लाल थे। आपको बता दें, जॉन अगस्तु तेक्का, विश्राम मुंडा और बिरसा उरांव थे, उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी, सर्वोच्च बलिदान दिया, तब जाकर के जो पाकिस्तानी जो सैनिक थे उन पर कब्जा पाया गया। तो हम इस वक्त मौजूद है शहीद जॉन अगस्तु तेक्का के घर पर। मेरे पति जम्मू कश्मीर में 25 दिसंबर को शहीद हो गए, वे ड्यूटी समय ही अपना प्राणों का न्यौछावर कर दिए। मेरे आंखें नम थी और मेरे दोनों बच्चे भी बहुत दुखी थे। हाँ, एक प्रकार से तो बोलेंगे गुमनामी का ही जिंदगी जी रहे हैं। मुझे पता चला कि मेरे ससुर देश के लिए शहीद हो चुके हैं, तो मुझे बहुत गर्व हुआ कि मैं एक ऐसे परिवार में जा रही हूँ जहाँ पर मेरे ससुर देश के लिए अपनी जान दे दी। शहीद जॉन अगस्तु तेक्का के परिजन थे, वो आज भी जो उनकी जो शहादत थी, जो कारगिल विजय दिवस हम मनाएंगे 26 जुलाई को, तो आज भी वो अपने आप में गर्व महसूस करते हैं कि उनके पति, उनके ससुर देश के लिए शहीद, अपना सर्वोच्च बलिदान देकर के जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध छिड़ा था उसमें भारत को विजय दिलाने में उनका भी एक अहम योगदान था। हालांकि बोला गया है शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, मतन पर मर मिटने वालों की बाकी यही निशा होगी। रुपेश कुमार भगत, न्यूज 18 गुमला। समस्तीपुर में नागपंचमी के मौके पर धूमधाम से विषधर सांप की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान बताया जाता है कि भगत की ओर से माता विषहरी का नाम लेते हुए सांपों को निकाला जाता है। भगत हाथ में जहरीले सांपों को पकड़कर करतब भी दिखाते हैं। भगत बूढ़ी गंडक नदी के सिंघिया और नरहन थपौत पुल घाट पहुंचे और नदी में प्रवेश कर सैकड़ों की संख्या में नदी से सांप निकाला। इस दौरान मौजूद भक्त नागराज और विषधर माता के नाम का जयकारा लगाते रहे। सारे सांप लेकर भगत अपने श्रद्धालुओं के साथ सिंघिया घाट बाजार और नरहनपुरा भ्रमण कर मंदिर परिसर पहुंचे। इसके बाद मेला समाप्त हो गया और सभी सांप को जंगल में छोड़ दिया गया। IGIMS में लगातार IVF तकनीक से इलाज में सफलता मिलने के बाद वर्ल्ड IVF डे को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व रिप्रोडक्टिव मेडिसिन डिपार्टमेंट की HOD डॉक्टर कल्पना ने किया और मरीज के साथ साथ परिजनों को IVF तकनीक की जानकारी दी। इस दौरान अस्पताल के सभी अधिकारी और अभियान में शामिल आशा वर्कर्स भी मौजूद रहे। सभी ने 2020 से अस्पताल में चल रहे IVF तकनीक से इलाज के बारे में जानकारी दी और बताया कि निसंतान दंपति को बाहर जाकर इलाज कराने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कम खर्च में नई तकनीक से यहाँ इलाज संभव है। डॉक्टरों से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। मेडिकल साइंस जैसे जैसे डेवलप कर रहा है वैसे वैसे IGIMS भी सफलता की नई इबारत लिख रहा है, यानी आज वर्ल्ड IVF डे है। ऐसे में IGIMS की तरफ से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। OPD का ये देख सकते हैं कि नज़ारा है और तमाम जो मरीज हैं उनके परिजन हैं उनके बीच डॉक्टरों की ये टीम है और आशा वर्कर भी हैं जो ग्रास रूट पर लगातार कैंपेनिंग करते हुए मरीजों के बीच IVF के बारे में जानकारी देती हैं। और निश्चित रूप से IGIMS की ये पहल जो है सराहनीय है, क्योंकि IVF का प्रयोग IGIMS में काफी वर्षों से हो रहा है और लगातार सफलता मिल रही है। तो देख सकते हैं डॉक्टरों की पूरी टीम है, अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। जरा बातचीत करते हैं, हम रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के HOD हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये आज वर्ल्ड IVF डे है, क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार।
वर्ल्ड आईवीएफ डे के दिन ही आज 25 जुलाई को ही 1978 में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जन्म लिया था, और तब ये बहुत बड़ी तकनीक थी। इस तकनीक से जितने कपल जिन लोगों को बच्चा नहीं है उन लोगों को एक आशा की किरण जागी थी, और तब से पूरे डॉक्टर्स की टीम हमेशा काम करती रही है कि किस तरह से निसंतान दंपति को हम लोग बच्चा उनके घर में दे सकते, कैसे उनके घर में किलकारी गूंजे। क्या लग रहा है इस प्रकार के अभियान चलाने के बाद कैसा रहता फीडबैक? इस संस्थान को अपना एडवर्टीजमेंट का मौका नहीं रहता है, बाकी जगह तो लोग होर्डिंग लगा के काम करते हैं, हम लोग अपनी काम और अपनी सफलता बता नहीं पाते हैं। लेकिन इस जागरूकता कार्यक्रम से हम लोग अपने बारे में, अपने संस्थान में जो इसकी गुणवत्ता के साथ इलाज हो रही है उसके बारे में, जो सस्ते दर पर इलाज हो रहा है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि बाहर से कम 50% कम दर पर संस्थान में सब मौजूद है। यहाँ देखने की चार्ज मात्र 50 रुपीज़ में बहुत दिन से हो रही है, अभी भी वही है, और जो आईवीएफ खर्चा होता है वो काफ़ी 3-4 लाख रुपए लग जाते हैं, हमारे यहाँ 1 से 1.5 लाख में मैक्सिमम सारा इलाज मौजूद है। निसंतान दंपत्ति हैं जो परेशान हैं, टेंशन में हैं, एज ए डीन उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप, चूँकि आईजीएमएस में ये पहल काफ़ी पहले से हो रही है? इस विषय पर नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, तो हमारे संस्थान में चूँकि सस्ते दर पर ये सुविधा उपलब्ध है, एक ही मेरी गुजारिश है कि शायद बिहार में जो बोर्ड नहीं है इसका, कोई असिस्टेड रिप्रोडक्टिव बोर्ड नहीं है, तो अगर बोर्ड की ज़रूरत है जिससे कि जो भी आईवीएफ सेंटर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो सके और लीगैलिटी कंप्लीट हो सके। तो मुझे लगता है कि जिनको जो संपत्ति है, दंपति हैं जिनको कि निसंतान है, उन्हें आकर करके कम से कम एक बार इवैल्यूएशन कराना चाहिए। एक ऑनेस्ट और बहुत ही अच्छे अप्रोच के साथ ये लोग ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। चूंकि एक बड़ा अभियान चलाना है और बड़ी आबादी है जो प्रभावित हो रही है, क्या कहना चाहें? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम अपना गांव से लाला के हम अपना यहाँ ला के दिखाएंगे, जिसको जिसको नहीं हो रहा, पति में गड़बड़ी है कि महिला में गड़बड़ी है, जिसको ला के यहाँ हम दिखाएंगे। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, News 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।